बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं, बल्कि एक्सरसाइज है 5.9। ये पेज 106 पे है और इसका क्वेश्चन नंबर 1। सब क्वेश्चंस के लिए कि आपने सिंप्लीफाई करना है। ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, और इस तरफ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2bc, नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब देखें डायरेक्टली तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर तो है तो सही, लेकिन इनके साइन मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो चीज़ गौर करने वाली है ना इस सवाल में, और देखें सारे सवाल बहुत आसान है, डिपेंड करता है कि आप अप्रोच कैसी लेते हैं। अगर आपने गलत अप्रोच पकड़ ली तो मुमकिन आप फंस जाएँ, मुमकिन है गलत सवाल हो जाए, या ये है कि टाइम ज़ाया भी हो सकता है। तो आपने ना अपने अंदर ये चीज़ अब डेवलप करनी है कि सही स्टेप क्या लिया जाए और कैसे पहचाना जाए कि क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता आएगी जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखें इसमें, देखें ये 2ac है यानी कि, और इधर a की स्क्वायर वाली रकम भी है, c वाली भी, यानी कि देखा जाए तो ये एक मुरब्बा बन सकता है ना। इधर जब ये स्क्वायर बन सकता है तो ये भी एक स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो दैट मीन्स के उसको हम मज़ीद, यानी कि एक तरह से ये चीज़ बनेगी ना, बी स्क्वायर माइनस फर्स कर, इसको मैं कहता हूँ एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसको हम दोबारा से बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स लिख सकेंगे ना। तो यानी कि एक ये स्क्वायर बनता है, इसी तरह ये 2bc है, तो ये वाला और ये मिला के एक स्क्वायर बन सकता, ये ac यानी कि ये मिला के एक स्क्वायर बन सकता, तो ये ac है तो इसको मिला के स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा इधर b स्क्वायर है, इसी तरह इनमें भी कुछ ना कुछ है, तो जब इनको हम b माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स की फॉर्म, x मीन्स कि ये पूरी रकम की मैं इस वक्त यहाँ बात कर रहा हूँ, ऐसे लिखेंगे ना, तो फिर मुमकिन है कि ऊपर से नीचे कुछ कैंसिल हो जाए, क्योंकि फिर चीज़ें आपके पास ना मिलती जुलती आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि है तो वही चार वेरिएबल ना, तीन बल्कि ABC ABC। इस तरह करने से ना मुमकिन है कि आपके, मैं दोबारा से कहता हूँ, मुमकिन है कि आपकी चीज़ें जो है ना कैंसिल होना शुरू हो जाए। तो यही काम करते हैं हम, बी स्क्वायर। अब मैं इन सब में से ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन इसलिए लिया कि फार्मूले में ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म होता है, तो ये प्लस होती है, तो इसलिए मैंने माइनस बार निकाल लिया। डिवाइडेड बाय, अब देखें ये है, इसको मिला के स्क्वायर बनाना, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो इस दफ़ा मैं जो जैसे इधर बी स्क्वायर था, लेकिन ये माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इस दफ़ा क्या करता हूँ कि इसको बाद में लिखता हूँ, इनको पहले लिखता हूँ, क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिव में है ना, ये भी पॉजिटिव है, और जैसे ये भी पॉजिटिव है, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो मुझे इनमें से मैं कुछ चीज़ नेगेटिव मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ। तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर, अब ये चीज़ हम इधर करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, ये बी स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर हो गया, सी ए प्लस सी का, सॉरी ए माइनस सी का, ए माइनस सी का स्क्वायर हो गया, ये हो गया जी ए प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू
ये हो गया जी बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस सी का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर। अब देखें इसको खोलना शुरू करें बी, आप ये ए एक तरह से फार्मूला है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वो वाली टर्म है। तो पहले मैं लिखने लगा हूँ बी प्लस, अब मैं ये फर्ज करें अगेन एक्स है ये वाई है, तो एक्स ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया ना, तो अब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखूंगा, तो पहली वाली टर्म ये है, तो बी इसके साथ मैं प्लस लगाने लगा हूँ, तो बी माइन प्लस ए माइनस सी हो जाएगा इंटू, अब मैं माइनस लगाने लगा हूँ तो बी माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। बस मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था कि ये मैंने प्लस के साथ लिया तो प्लस ए माइनस सी ये उसी तरह आ गया, फिर इसी को माइनस के साइन के साथ लिया तो साइन उल्टे हो गए, तो ये ए प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी हो जाएगा, और इधर बी माइनस सी माइनस ए और बी प्लस सी प्लस ए, इधर ए माइनस सी माइनस बी या प्लस बी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरे में उल्टा करके लिख दें। ये मैंने यहाँ गलती की है, बी माइनस सी माइनस ए है तो बी माइनस सी प्लस होना चाहिए, ये प्लस का साइन नहीं है। अच्छा अब ये देखते हैं कि कुछ कैंसिल होती हैं चीज़ें कि नहीं, ये बी प्लस ए माइनस सी कहीं है नीचे, बी प्लस ए माइनस सी, बी प्लस ए माइनस सी बिल्कुल है जी, ये इससे कैंसिल हो गया। अच्छा अब है बी माइनस ए प्लस सी, बी माइनस ए प्लस सी कहीं है, यानी कि बी और सी पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, हाँ ये इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें मसला ये है कि साइन उल्टे हैं, इधर क्या है बी सी पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, इधर ए पॉजिटिव है बी सी नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये इसका पेयर तो बन सकता है अगर माइनस वन कॉमन निकाल लिया जाए। इसको देखते हैं बी माइनस सी माइनस ए, यानी कि बी पॉजिटिव है ए और सी नेगेटिव है, इधर देखें बी नेगेटिव और ए और सी पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये दोनों पेयर बन सकते हैं अगर आप माइनस वन कॉमन निकाल लें। ये बी माइनस सी प्लस ए, अब ये चूँकि बीच में एक माइनस का साइन आ गया, इसका और इसका कुछ नहीं हो सकता, तो हम अगले स्टेप में करते हैं। अब ये जो बचा ना इसमें से मैं माइनस वन कॉमन निकालने लगा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, इसी तरह चूँकि इसका इसका पेयर बनता है उल्टे साइन के साथ, इसका भी एक माइनस वन कॉमन निकालने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा बी सॉरी ए पॉजिटिव होगा प्लस सॉरी ए माइनस बी प्लस सी, और ये वैसे ही आ जाएगी बी माइनस सी प्लस ए, नीचे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी माइनस बी इंटू ए माइनस सी माइनस बी। अब ये देखें ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी ये कैंसिल हो गई, यह है ए माइनस बी प्लस सी, ये ए माइनस बी प्लस सी ये इससे कैंसिल होगी, और ये माइनस वन के साथ ख़त्म हो गया था, बाकी आपके पास सिर्फ ये चीज़ें बचेगी बी माइनस सी प्लस ए ओवर ए प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल ठीक है, बुक में उन्होंने थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिखा हुआ कि ए पहले लिखा प्लस बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करके लिखा, जवाब हमारा दुरुस्त था।
क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब ओवर ए स्क्वायर प्लस 20 ए बी प्लस 64 बी स्क्वायर इनटू ए टू प्लस 4 AB प्लस 16 B स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 AB प्लस 16 B स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर प्लस 12 AB माइनस 64 B स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 64 B क्यूब। अब देखें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला है ना, ये 4 का क्यूब है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं ना, इसके फैक्टर्स बनाते हैं ना, तो ये इनमें से कुछ ना कुछ है ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो करते हैं कि कैसे होगा। तो ए क्यूब प्लस देखें, पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए प्लस 4 B इंटू ए स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर यानी 16 B स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 4 AB, ये आ जाएगा ना ये। और इसके नीचे है ए स्क्वायर प्लस 20 AB। अच्छा अब इसको देखते हैं, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 20 आता है। तो ये स्क्वायर अभी नहीं बन रहा, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, आगे जाके देखता हूँ कि क्या सूरत हाल होगी। ये ए स्क्वायर प्लस 4 AB प्लस 16 B स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 4 AB प्लस 16 B स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 12 AB माइनस 64 B स्क्वायर ओवर, या अब ये भी ऑफ स्क्वायर क्यूब आ गया, तो ए माइनस 4 B इंटू ए स्क्वायर प्लस 16 B स्क्वायर प्लस 4 AB। अब देखें ए स्क्वायर प्लस 4 AB प्लस 16 B स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 16 B स्क्वायर प्लस 4 AB एक ही बात है ना, ये इससे कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर प्लस 16 B स्क्वायर माइनस 4 AB है, और ये ए स्क्वायर प्लस 16 B स्क्वायर माइनस 4 AB है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, फिर आई एम श्योर कि मज़ीद बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो सकेंगी। आप देखें मे बी इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकें, इसका और इसका तो कुछ नहीं हो सकता ना, और अभी जवाब इतना मतलब सिंपल नहीं लिखा हुआ लग रहा कि हम कहें जी जवाब ठीक है, तो मेरे ख्याल हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इसकी ना फैक्टराइजेशन की कोशिश करते हैं, इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं पीस करके लिख सकता हूँ। अब ये 64 है ना, तो 16 4s are 64 होता है जी, तो इसको मैं ऐसे 16 AB माइनस 4 AB करके लिख सकता हूँ, माइनस 64 B स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसी तरह ये काम मैं इधर भी करने लगा हूँ। अब चूँकि प्लस का साइन है, तो 16 AB प्लस 4 AB प्लस 64 B स्क्वायर इंटू ए माइनस 4 B, तो ये आएगा ए प्लस 4 B इंटू
ए कॉमन ले लूँ तो ए प्लस 16 बी, आगे से माइनस 4 बी कॉमन ले लूँ तो ए प्लस 16 बी, बात बनती दिखाई दे रही है। नीचे इसी तरह ए कॉमन ले लूँ तो ए प्लस 16 बी प्लस 4 बी कॉमन ले लूँ इसमें से और इसमें से तो ए प्लस 16 बी, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस 4 बी से। अब ए प्लस 4 बी उसी तरह बाहर है। अब अंदर ए प्लस 16 बी कॉमन ले लिया और बाकी क्या बचा, ए माइनस 4 बी। नीचे क्या किया हमने, ए प्लस 16 बी कॉमन ले लिया, बाकी बचा ए प्लस 4 बी और ये ए माइनस 4 बी। तो मुझे लगता है सारे कैंसिल हो गए क्योंकि ए माइनस 4 बी, ए माइनस 4 बी से ए प्लस 4 बी, ए प्लस 4 बी से और ये प्लस 16 बी से सारे कैंसिल हो गए, वन आंसर आ गया। इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, बाकी वाले सवाल दूसरे वीडियोस में करते हैं। सवाल खासे लंबे हैं और हम चाहते हैं कि वीडियो की लेंथ एक मुनासिब लेंथ रहे। इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।